बढ़िया बढ़िया पार्टी करना ठीक है। चल पार्टी का बता दियो, कुछ एक कुछ बुक वो करना हो तो बता देना। फिर कहता है ओके आई विल मेक यू वन स्पेशल वन। तो बार बंद हो गया था पीछे, मैंने प्लास्टिक का ग्लास दिया कि अगर फ्लाइट लैंड हुई तो कोई लेके ना जाए। हे गाइस व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अदर एपिसोड। आज की शुरुआत हो गई है जल्दी निकलते हुए, वो एयरबीएनबी वालों ने ऐसी भाई 10 बजे चेकआउट, 10 बजे 10 बज के 10 बजने में 5 मिनट पहले आ गई थी। पहले ही आ गई थी, मैंने इसको रिव्यू किया, कल इसको इनको चेक इन करने में 1.5 घंटा हमने वेट किया है और चेकआउट के टाइम ऐसे भगा रहे हैं। और बार बार घंटियां बजाया जा रही, 3-4 बार बजा चुकी थी घंटियां, एक बार मैं जाके बोला ही उसको, फिर उसके बाद शुरू हो गई। हां एनी मूवी को बताता हूं, हम जा रहे हैं रोम के दर्शन पे गाड़ी में, उसके बाद मेरी फ्लाइट है 3 बजे और मम्मी पापा की भी फ्लाइट करानी है ब्रैंकेट्स। मम्मी पापा जा रहे हैं म्यूनिक, आयुष के पास जा रहे हो? हाँ। तो उसने क्या बोला वहाँ पे? जगह रिव्यू कमेंट पिक का सब। अच्छा एयरपोर्ट से ले लेगा, ठीक है। नहीं अब एयरपोर्ट का तो बताना पड़ेगा, उसको बता देना, ट्रेन का बोलना था। अच्छा ठीक है, अब उन्होंने की बात हो जाएगी ना उस नंबर पे, नहीं तो हम ही कर लेंगे। पिक्चर वाले पे डाल दिया आपका, ऑन है ना, मैंने चला दिया, मेरा चल रहा है, उससे फोन करो, उससे बात कर लेंगे। फाइनली हमें पार्किंग मिल चुकी है, वो भी एयरपोर्ट जाने के रास्ते में मिली है। पूरा रोम छान मारा, 1.5 घंटा कुछ नहीं मिला, फिर हम आ गए मैकडॉनल्ड्स, यहाँ पे पार्किंग मिल गई है। सो गाइस हम वापस पहुंच चुके हैं, बढ़िया गाड़ी वापस कर रहे हैं, फिर ये हमें यहीं से एयरपोर्ट छोड़ देंगे, यहाँ से एयरपोर्ट 5 मिनट था सिर्फ, वहाँ पर छोड़ देंगे, एक दिन एक्सटेंड कर लिया 200 यूरो। When? In this period? Yeah, in this, like generally. Si, more of it. Generally. But maybe 60 or 70 for days. 60, 70. Si. Okay. Compass and the small one? And the small one. 40, 50. But for you, you are a client, discount. This is for you. Okay, thank you. So guys, किसी को आना हो यहाँ पे तो यहाँ पे आके गाड़ी रेंट कर सकते हैं, ये लोग वो डिपॉजिट भी नहीं लेते हैं। ये था ऑटोमोबिलिटी शॉर्ट टर्म रेंटल। तो गाइस मैं मम्मी पापा का भी एक बैग लेके जा रहा हूँ, क्योंकि घटिया बैग लिया है और अभी मैं जा रहा हूँ, इन लोगों के अभी 10 दिन बचे हैं, तो इतने सारे बैग के साथ तो घूम नहीं सकते। हम आ चुके हैं अपनी बढ़िया फ्लाइट्स में, नाइस मॉन्स, अभी देखते हैं कितना वेट है। एक्सक्यूज मी गाइस, हाथी था 32 किलो का, ये भाई साहब मम्मी पापा का बैग है 25 किलो का। अबे ये ओ बढ़ गया, हाँ एमिरेट्स वाले स्वीट है। वैसे मैं गोल्ड मेम्बर हूँ तो 30 किलो प्लस 17 किलो मिलता है मुझे, जब सिल्वर था तो 12 किलो मिलता था, तो मैं उसे पूछा ले जाऊँ, उसने कहा ठीक है ले जाओ, कोई टेंशन नहीं, गुड डेट वॉज। अगर पूछने ये है कि मील्स पड़े हैं तो वो बिजनेस क्लास में अपग्रेड कर देगी, पॉइंट्स का इस्तेमाल करें। वैसे अगर आप, वैसे जब मैं बुक करा था 2000 यूरो एक्स्ट्रा की थी बिजनेस क्लास, 500 की वैसे मिली है, और अभी अगर यहाँ पे आके अपग्रेड लो तो 1000 यूरो की अपग्रेड थी, बट मैं पॉइंट्स ले लूँगा। बाबा गुड डे, ओके ओके थैंक यू। चलो गाइस डन हो गया, बढ़िया एकदम, चेक आउट चेक, एवरीथिंग इज डन, बिजनेस जा रहे हैं हम, बढ़िया A380 है, इसमें बिजनेस मिस नहीं कर सकते। वो देखना पापा सो जाते हैं भाई, ये वाला टैलेंट मुझे भी चाहिए। ओह माय गॉड, वाओ भाई, मेरा वेट था 32 किलो, आप आपका बैग का वेट था 25 किलो, वो तो वो अच्छी भली होती है, तो मैं गोल्ड मेंबर भी हूँ ना, इसे पंगे नहीं लेते वो, तो कहते चलो ठीक है। मैं तो उस दिन का इंतजार है कि मैं कभी कॉर्नर में बैठा हूँ, मैं कभी सर आपको फ्री में अपग्रेड कर दिया, उस दिन का इंतजार करता हूँ, आज तक तो हुआ नहीं। जीजू बोलते रहते थे कि मेरे को फ्री में कर देते थे, उसको तो कई बार हुआ। तो वो कैसे करते हैं? एक बार इशिता आई थी, उसको भी किया था फ्री में अपग्रेड, फर्स्ट टाइम स्विट्जरलैंड गई थी। पैसे थोड़ी दिए मैंने, पॉइंट से दिए, अब इतने पॉइंट पड़े हुए ना, करना क्या, करने बचा गया। अभी इसमें ये वाला जो कार्ड ले रहा हूँ इसमें कम हो रहे हैं, मैं इंडिया वाले में भी देता हूँ, उसमें भी एमिरेट्स का है। ए मेरे को इंडिया में एमिरेट्स वाला लेना है और एक एक्सिस वाला ले लेता हूँ, उसमें क्या होता है आप भी ले लो, एक्सिस में तो उसमें अकाउंट है, उसका क्रेडिट कार्ड बनवाओ, विस्तारा के बिजनेस क्लास बनती है, नहीं तो उसमें यूज़ क्या करो ना,
कुछ भी नहीं करना, स्मार्ट बुद्धि लगा के बस यूज करना है तो सब मिलेगा उसके बेनिफिट्स। मेरे इतना बिल आते हैं मेरे, अगर उसके उससे आपको फ्री बिजनेस क्लास मिल जाए तो और क्या चाहिए आपको, समझे? वहाँ देखो कुछ खाना पीना है तो एक एक ड्रिंक पी लेते वहाँ पे, फिर आप अपने रास्ते में अपने रास्ते आखिरी ड्रिंक पी लो मेरे साथ, इसके बाद चाचा ने तो पैसे खर्च लिए हैं। देखना पापा चले गए, कोई बाय नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी से नाता नूता नहीं, चले गए अपना। मम्मी को टिकट भेजा था उतने में चले गए। बढ़िया बढ़िया पार्टी करना, ठीक है? चल पार्टी कुछ एक कुछ बुक वुक करना हो तो बता देना। बता सो गाइस अगर फैमिली ट्रिप अच्छी लगी तो फिर बता देना नेक्स्ट हम कहाँ जाए। मम्मी को तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, अगला मज़ा आ रहा है अगला ट्रिप। जल्दी आप इसको कमेंट करके बोलते रहना जल्दी जाओ जल्दी। उनको बोलो पेड़ वाली को शेयर वेयर करके लाइक एंगेजमेंट बढ़ा दिया भैया, पेड़ वाली भी करनी है तो लाइक तभी ट्रिप बनेंगे। हम क्रूज पर चलते हैं, क्रूज वालों से बात करते हैं। क्रूज वाला बढ़िया, कौटिल्या वाला तो इंडिया इंडियन वाला है, उसमें आपको वो भी अच्छा, मेरे को तो वो भी अच्छा लगा था क्योंकि मैं पहली बार क्रूज पर गया था। बाहर वाले पर जाओगे तो अलग ही एक्सपीरियंस होगा। चलो प्लान करते हैं फिर जून जुलाई का, ठीक है? चलो गुड डे टू अस। सो गाइस रोम में भी मस्त था यार, फास्ट ट्रैक था, मतलब एक सेकंड में लगा, बाय बोला अंदर घुसा, फास्ट ट्रैक वाली लेन थी, बोर्डिंग कार्ड लगाया, दो मजा बिजनेस क्लास अलग से, कुछ खाली था एकदम, एक सेकंड में अंदर। अब बस यहाँ पे बॉर्डर कंट्रोल में हम दिखाएंगे अपना वीजर्स एंड देन ऑफ वी गो टू ड्यूटी फ्री, थोड़ी सी शॉपिंग करते हैं और फिर दुबई चलते हैं। मैं सोच रहा हूँ मेरा वहाँ पे यार लेओवर है, सामान तो सीधा दिल्ली पहुँच जाएगा, चार घंटे में एयरपोर्ट पे क्या करूँगा, 4.5 घंटे। सो गाइस रोम की ड्यूटी फ्री देख लो, बढ़िया एकदम, हमने सब कुछ क्लियर कर लिया 5 मिनट में, 4 मिनट भी नहीं लगे। काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है गाइस, मस्त है एकदम। अभी 1.5 किलोमीटर से तो मैं चल रहा हूँ, हमें जाना है 22 के पास, वहीं पर एमिरेट्स का लाउंज है। एमिरेट्स का ये अच्छा है कि एमिरेट्स के ना हर सिटी में, मेजर मेजर सिटीज़ में हर जगह लाउंज है, जाके देखते हैं यहाँ पर कैसा लाउंज है। Some fine dining, some hummus, some peaties. चलो हम जा रहे हैं Emirates Lounge, check-outs. भाई पूरा खाली और ये रहा Emirates Lounge. सेक्सी लग रहा है, मस्त लाउंज है इधर, छोटा सा नाइस, उधर से व्यू भी है। चलो पहले डिज़र्ट दिखा दें क्या क्या है। सम नाइस, मैं तो कुछ खा नहीं रहा हूँ, दिखा रहा हूँ तुम्हें सम नाइस पेपरी के डेजर्ट्स। यहाँ पे तो पक्का हमस पीटा भी होगा। सम हमस, सम पीटस, राइस खाने को है, सेम्स पैकेटीज, वाओ ये खा सकते हैं, लैम्ब रिब्स खा सकते हैं, वाओ फिश भी है। वैसे मैं पिघलता नहीं, बट यहाँ मैं पिघल गया। सम सूप्स, सम हॉट क्रिस्पी सूप्स, चिकन पिज़्ज़े हम, नाइस पॉन्स, बढ़िया हेल्दी स्टफ डाल लिया हमने, लेट्स डिग इन। वो खा लो होगा, नाउन से डायरेक्ट एंट्री। थैंक यू सो मच, बाय। ये मेरा फेवरेट प्लेन है भाई, Emirates A380, Emirates ने किसी का भी A380 जंबो साइज डबल डेकर, साइज देख लो भाई, जंबो डबल डेकर कद्दू। गुड डे टू अस, नाइस बॉन्स भाई, ये आ जाए ना मज़े, पूरा प्लेन बिजनेस क्लास। हेलो गाइस, इस प्लेन में कहीं भी जा सकता हूँ मैं दुनिया में, बढ़िया है ना ये, क्या बताऊँ मैं बताऊँ, ये नया वाला कि पुराना वाला है? ये है यार, ये थोड़ा पुराना वाला है, ये पुराना A380 है, धोखेबाजी पुराने A380 है, नए वाले A380 में है, ये वाले बटन्स नहीं है, एकदम न्यू है, चप्पा चप्पा पता है तुम्हारे भाई को कि नया कौन सा है पुराना कौन सा है, बट सही है इसमें पानी वानी सब मिलता है साइड में। दो मजा गाइस, अगर Emirates में मैंने इतना कंटेंट बनाया हुआ है, कभी डाला नहीं है, मतलब यार मुझे कोई ना दुखी हो जाता हूँ मैं, मुझे सिर्फ काम पे फोकस करना है और कहीं ट्रैवल नहीं करना कि बैठ के, फिर मैंने एक और मार ली थी ना उसका कुछ गया, फिर बर्फ़ आ गई थी उसका कुछ नहीं गया, अब यूरो ट्रिप मार ली इसका कुछ नहीं जाएगा, फिर अगली ट्रिप आ जाएगी उसका कुछ नहीं जाएगा, ऐसे होता रहता है। मेरे को कोई चाहिए, जब किम होती थी ना मेरी लाइफ में सब कुछ आसान होता था, अभी कोई है ही नहीं तो कोई उंगली देने को नहीं है, और कोई भी ऐसे नहीं काम करेगा जैसे खुद तुम काम करोगे, तो वैसा बंदा मिलना बहुत मुश्किल होता है कि जो आपकी उसको अपनी वो समझ के आगे पुश करें। अभी आई थिंक ईशो ने 2-3 लोगों को, पता नहीं लोगों को हायर किया, देखते हैं किस किस को हायर किया, नहीं मिला तो मैं और लोगों के इंटरव्यू लेता हूँ और दो माला करता हूँ। पर्सनल टच ये होता है कि भाई जो अपने उसको मेरी वो बना के आगे पुश करे, वो बहुत मुश्किल है, अगर वो मिल जाए ना तो फिर वैसे ही बहुत कुछ आसान हो गया। अभी मेरे को जाती यहाँ से जाऊँगा, 4-4.5 घंटे का लेओवर है, मैं सोच रहा हूँ घर जाऊँ नहीं जाऊँ, 4.5 घंटे एयरपोर्ट पर क्या करूँगा, जाऊँगा तो भी जाऊँगा 2 घंटे चिल करूँगा फिर वापस भागूँगा, फिर मैं दिल्ली लैंड करूँगा 9 समथिंग पे,
फिर वहाँ से वापस गाड़ी उठा के फिर मेरे को जाना है पहाड़ पे शूट करने, तो मतलब फटने वाली है दो मतलब डाउनलोड हो जाए ओके डाउनलोड कर रहा हूँ ये बहुत ही वायरल हुआ है कुछ, मैंने न्यूज़ में पढ़ा था बीफ करके कोई टीवी सीरीज है। अगर एमिरेट्स को लैब मांग के बोलेगा ना रील बनाओ मेरे पास इतना कंटेंट पड़ा है, मैं मांगूंगा अभी लो यार 5 मिनट में देता हूँ बाबो। तो गाइस देख के बताते हैं मेन्यू में क्या है बढ़िया। मैंने फ़ोन को ऐसे पैर से रखा हुआ है, मेरी फेवरेट फ्लाइट है भाई, बाकी सब मोमा है। अभी हम स्विस में जाएंगे उसमें देख के बताते हैं बिजनेस क्लास कैसी है। वैसे मेरा बहुत मन है कतर एयरवेज जाने का, क्योंकि सिंगापुर अच्छी थी, सिंगापुर और एमिरेट्स में मतलब टक्कर की वो है, उसके स्वीट में जाना है, स्वीट में जाके मज़ा आ जाएगा। देखो और खरीदो बढ़िया बार मैंने तो तुम लोगों को पता ही है सुभाष रेड्डी इज माई फेवरेट एबोफेडी जूरा जूरा नहीं होता जूरा होता पर हम मजाक उड़ाते हैं जब बुड्ढा हम बात करते हैं हम बोलते जूरा। लंच में है क्रीम ऑफ कॉलीफ्लावर सूप ट्रेडिशनल अरबिक में से सैमन आई थिंक हम सैमन खाएंगे। मेन कोर्स में थोड़ा सा वो है लैम्ब वो भी है रोस्टेड चिकन भी है और सी बास भी है आई थिंक रोस्टेड चिकन खाएंगे। तुम्हें बहुत बार दिखाया हुआ फिर से दिखा देंगे हम। लाउंज में है बढ़िया कभी भी जाना हो जाके हम सैंडविचेज ये सब उठा सकते हैं, मैं हमेशा दबा लेता हूँ ये तो बैग में बहुत डाल। आज हम माइक का इस्तेमाल करेंगे बढ़िया एकदम, मैं भी ज़रा काम ही कर रहा था धोखे पे धोखे होते थे काम पे ना बहुत पंगा हो जाता है यार। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इंडिया जाऊँ फिर दुबई आऊँ, मेरे को 17th को दुबई में होना है तो मुझे पहले अभी इंडिया जाना पड़ेगा एक शूट करना है वो शूट करना पड़ेगा, तो 4 दिन के लिए मैं इंडिया में आऊँगा फिर मेरे को वापस दुबई आना है। फिर मैं सोच रहा हूँ कि वो मीटिंग करके वापस इंडिया में रहूँ कि दुबई में रहूँ और चुपचाप शांति पर्यटन करूँ, फिर लगता है शांति का टाइम नहीं है काम करने का टाइम है तो प्रेशर ना ऐसे प्रेशर कुकर बन जाता हूँ मैं फिर फट जाता हूँ। देखो यहाँ पर कैमरे हैं मस्त चल रहे हैं फिर टेक ऑफ करने वाले हैं बढ़िया एकदम। यहाँ पे ना शीशे और इसके बीच में भी इतना गैप होता है देखो आई थिंक 12 इंच का तो गैप है ही। गैस बढ़िया ऑलिव जा चुके हैं आज की सर्विस बड़ी स्लो हो चुकी है सोच रहा बाहर में जाके सीधा एक ट्रिक लें तो मज़ा हो चुका है। शमशेरा आ गई भाई इसमें वो ये कहाँ से आ गया पुराना वाला है बिकॉज यहाँ पे टेबल नहीं है जब हम लास्ट टाइम लंदन गए थे तो यहाँ पे टेबल थी बस ये वाला पुराना वाला है देखो ना पुरानी सीट पुराना वुड दोमादा हो गया था आई थॉट नया वाला हो गया था। मैं तो ऐसी ड्रिंक बनानी फालतू में ये क्या करते हैं जैसे आप लैंप ऊपर टेक ऑफ करोगे पहले दे देंगे फिर कि आप जल्दी से खा लो पी लो और उसके बाद दबा जाओ बेड भी लगा रहे हैं कि आप सो जाओ हमें कुछ काम ना करना पड़े और पीछे बैठे सारे मस्ती मारते हैं। थैंक यू फिर कितने बिजनेस क्लास हैं नाइस मॉल्स इसमें क्या है ऊपर का जो फ्लोर है उसमें सिर्फ बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास है नीचे के फ्लोर में सारा इकॉनमी क्लास है। गाइस जितनी बार में MH380 में गया हूँ मज़ा पता कब आता है जब तुम दोस्तों के साथ हो बुड्ढा साला गया नहीं था स्पीरो मेरे बहुत मस्ती मारी थी जब पेरिस गए थे तो अगर हम नेक्स्ट टाइम कभी भी बॉयज ट्रिप ले जाएंगे सुबीर और मैं भाई बुड्ढे की टिकट आधी आधी करके बोलेंगे कि भाई तू बिजनेस में चल हमारे साथ मस्ती उसी में आती है। Some nice salmons, some nice salmon, some peters, some oreganas. It must be chale yaar ye. So guys, मैं भी confused हूँ कि मैं हिमाचल साइड जाऊँ देखो मनाली तक नहीं जा रहा क्योंकि वहाँ पे वैसे ही इतने मसले हो रहे हैं ना कि मतलब मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ मैं अवॉइड कर रहा हूँ मैं भी जतिन वहाँ पे बैठ के संभाल रहा है तो उसी को दिमाग खराब है। मैं सोचा था या तो उत्तराखंड जाओ सौरभ जोशी भी वहाँ पे उसका मेरे सामान उसका ड्रोन लेके आया था मैं ड्रोन दे दिया था अभी उसको फ्लाइम और कॉम्बो चाहिए था कि या तो मैं सौरभ जोशी साइड जाऊँ उत्तराखंड को उत्तराखंड नहीं बोलते उत्तराखंड को सौरभ जोशी साइड बोलते हैं और हिमाचल बोलते हैं। मैं सोचता हूँ कसौली जाऊँ बैनर जाऊँ कि उत्तराखंड जाऊँ डोंट नो वहाँ पे मेरी फेवरेट सिक्लूड जो वाली जगह भी है भाई वो बहुत सुंदर है
आकाश इसी रेस्टोरेंट में मेरी तुम्हारे से मुलाकात हुई थी भाई क्या एक्टिंग करी हुई है इसने माल तुम्हें गालियां निकालते हैं इसको क्या एक्टिंग की है जब एक्टर्स में ऐसे गाली देते हैं ना तो ऐसे पता नहीं होता जब क्या एक्टिंग क्या होती है जब करने को आता है तब पढ़ के हाथ पा जाती है जब कोई लाइन लिख के पढ़ के याद करके बोलना होता है ना समझ सब समझ आ जाता है फिर लोगों के लिए इज्जत बढ़ जाती है कि भाई वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड जंगली जवानी देखे मेरे को एक स्टोरी याद आ गई भाई साहब बचपन में सबको ऐसे होता है कि ये सब ऐसे हम भी करें अलका तब हम जब ऐसे टू थ्री ड्रेयर या पता नहीं कौन सी थी वो खेलते थे तो होता था कि अलका पिक्चरें तब हम इनैक्ट और ये सब कर देते थे कि बहती हुई गंगा में ये लाश पर पता नहीं होता था कि ये पिक्चरें लगती कहाँ है फिर हमें पता था ओशिया डी वाली पिक्चरें यहाँ पर लगती हैं फिर मैं एक दिन क्या हुआ मैं अर्नव ने बैठ लाई चलो हम चलते हैं देखने तो मैं और अर्नव दोनों पिक्चर देखने गए पिक्चर का नाम तो मुझे याद नहीं है बट हाँ हम पिक्चर पक्का देखने गए थे 25 रुपये की टिकट थी और वहाँ बैठे हुए देखे भाई सारे रिक्शे वाले बैठे हुए वहाँ पे हम मात्र 5 मिनट बैठे हुए उन्होंने कहा भाई चल यहाँ से हम नहीं बैठ रहे क्योंकि धूप की भी रेज कोई भी दरवाज़ा भी खोल रहा तब भी वो रेज आ रही थी और मैं पिक्चर का तो बता ही नहीं सकता तुम्हें बट हाँ ये सब मैंने भी किया हुआ है ब्रेक इज गुड डे टू यू सो गाइस अभी मैं आया था यहाँ पे पीछे मैंने ड्रिंक पी थी तो वहाँ ख़त्म नहीं हुई थी भाई उसने बस एक वॉकर बनाई थी अभी वॉकर बना के लाया थैंक यू सो मच ओनली हैपेंस इन एमिरेट्स आई ट्रैवल ऑलमोस्ट एवरी फ्लाइट एवरी अदर वीकेंड नाउ वी आर लैंडिंग सो वी कैन नॉट यूज द ग्लास आई विल फिनिश इट बिफोर लैंडिंग डोंट वरी आई विल मेक इट द बेस्ट पॉसिबल इट्स गोना बी नंबर 8 पीछे गया आप कितनी पी लेते मैंने यार मैं तो पीता रहता हूँ मैं काउंट नहीं किया कह रहा मैं 3 पीता हूँ मैं डेड हो जाता हूँ मैंने कहा मैं 8 पी जाता हूँ मैंने कहा मैं 8 पी जाता हूँ मैं कुछ 8-10 पी जाता कुछ होता नहीं है कह रहा यू आर द चैम ब्रो हाँ यार कुछ होता ही नहीं है फिर कहता ओके आई विल मेक यू वन स्पेशल वन तो बार बंद हो गया था पीछे वो उसने कहा मैं 8 बनाता हूँ वो आया उसने प्लास्टिक का ग्लास दिया कि अगर फ्लाइट लैंड हुई तो कोई लेके ना जाए कि आप पी के रहो गुड डे सिर्फ एमिरेट्स में होता है ना किसी सिंगापुर एयरलाइंस में होता है ना एयर न्यूजीलैंड में होता है ना थाई एयरवेज में होता है ना किसी में होता है कतर एयरवेज में जाऊँगा तो देखूंगा बाबा गुड डे टू यू बढ़िया बनाइए इसने कौसम बनाई है बढ़िया चीयर्स इस भाई ने जो ड्रिंक बनाई थी ना वो बहुत ही अमेजिंग थी सो अ ह्यूज शाउट आउट टू हिम व्हाट्स योर इंस्टाग्राम आईडी हेलो माय नेम इज मार्क इंस्टाग्राम मार्क 2MA I'll type in also. Amazing cocktails. Thank you so much. It was a pleasure meeting you. Pleasure meeting you. Bye. Have a good day. Thank you. Bye. Guys, हम पहुंच चुके हैं दुबई में. पता नहीं कैसे पहुंचे हैं. बहुत नींद आ रही है भाई साहब. पता नहीं लास्ट वाले बार्टेंडर ने पता नहीं क्या मिला. दिमाग खराब हो चुका है. एनीवेज हम घर जा रहे हैं. पता नहीं सोऊंगा कि नहीं होगा. व्लॉग आए तो नहीं आए नहीं तो ब्रेक इट्स. मैं जा रहा हूँ भाई बहुत नींद आ रही है. मैं इंडिया कैसे पहुंच चुका 4 घंटे में मेरी फ्लाइट है पता नहीं कैसे पहुंचूंगा सो गया मैं भाड़ में जाए सामान पहुंचेगा इंडिया बाद में मैं जाके ले लूँगा मैं घर तब से आया नहीं मैं तब से क्या हो गया चेंज हो गया 3 महीने से आया सब कुछ गायब हो गया बेबी सो गाइस हम घर नहीं जा रहे सुबह घर पहले जा रहे हैं ये तो ला 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 भैया ये तो अस्सी लगे मैं चल यार तू क्या कर पैसे कमाऊंगी नहीं यार बहुत वो है पता है
ऐसा थोड़ी होता है। और क्या होता है मतलब तू 11:50 पे आएगा। वो छोड़ तू बेबी बता ना। कौन सी बेबी? फोन कैसे टूटा बे? टॉपिक मत चेंज कर, बहुत मेरा डीएम भर गया था। तूने डाली है मुझे आ रहा भैया, सुबीर भैया तो गए अब आप क्या करोगे? सुबीर भैया गए ना, मेरा क्या उससे लेना देना? नहीं सुबीर भैया तो गए, अब आप बॉयज ट्रिप पे कैसे जाओगे? भाई बॉयज ट्रिप तो होगी ना, उससे उसका क्या ले लेना? वो मुझे डाउट में डाल रहे थे। मैंने कहा यार कैसे कर रहा है मनाली चलते हैं। मनाली तेरे दिमाग में कहा से है? अरे बेबी बोल रही थप्पड़ मारा घुमा के। नहीं बुड्ढे ने बोला सबसे पहले मनाली। भाई तूने बोला था मनाली, बुड्ढा क्यों बोलेगा? क्योंकि बुड्ढा ट्रैवल नहीं कर सकता। भाई बुड्ढा मनाली क्यों बोलेगा? क्योंकि मनाली बोला था, क्योंकि बुड्ढा मैं कहता दुबई आ जाओ। बुड्ढा दुबई भी नहीं आने को तैयार। कौन से शहर है? अगर उसने ने बोल दिया, उसने बोला मैं अपना नाम बदल दूंगा, मैं अपना नाम मनाली रख लूंगा। उसने कहा दिल्ली के आसपास चलते, तो मैंने बोला मनाली चलते हैं। दिल्ली के आसपास मनाली है दल्ले। मैंने इसको बोला था बाली चलते हैं। एक तीर से दो निशाने मार लीजिए ना। अरे बाली चलना चाहिए ना, बाली चलेंगे हम। बाली? अरे बेबी मिली ना इसको भाई। कहाँ सर मारो। श्रीलंका भी आएगी? श्रीलंका भी आएगी। तो गाइस हम पहुंच गए घर, अपने घर तो गए नहीं, सुबह घर ही आ गए। अपना घर साफ है? आंटी को पता है? ओहो आंटी आप ब्लॉग देख रहे हो तो मेरे को कॉल करना। हम गॉसिप करेंगे। मम्मी तेरे को फोन कर भी देंगी। चलो हम आंटी आप कॉल करना, मैं कॉल हम गॉसिप या मैं मन नहीं कर रहा था। पता जैसे मैं दुबई एयरपोर्ट से निकला, मैं साइड में देखा, मैं कहा यार कौन जाएगा दिल्ली यार? मैं कहा सहानुभूति। 4 घंटे का लेवर है, 4 घंटे अब तो 4 भी नहीं होंगे, अब तो 3 हो गया। कितने बजे? 12 बज गए ना, 4 बजे मेरी फ्लाइट है। मैं निकलूंगा 2:30 बजे निकलूंगा, मैं नहीं जा रहा 1 घंटे से पहले। इस बार ना डेयर डेविल खेलेंगे। संतरा डाल तू साले, कुछ खाने को पड़ा है? डिलीवरी लेके आ रहा था, मुझे लगा आप ही ने ऑर्डर किया। नहीं मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे हम यहाँ पे रहेंगे तो और सुबह खाएंगे क्या? तू सोच, मेरे को बॉडी बनानी है ठीक है। मीट पैन भाई, मीट पैन नहीं खा रहा। देखे हम किसी को रख लेंगे, तेरा मेरा खाना दोनों साथ बना देगा। तो गाइस अच्छा नहीं बुलाते यार, उनका सबका खाना सेम होता है यार। भाई इष्टा वाला बहुत सही था। इष्टा वाला अच्छा है। हाँ तो वो 700 या पता नहीं कितने ले रहा है, आधा आधी कर लेंगे दो। तू भी ठीक है, अपने घर बना ले, मेरे घर बना ले। गाइस बॉडी बनवाने, पता है इतना इतना अय्याश, इतनी अय्याशी मैंने आज तक नहीं देखी। दुबई आ रहे हैं बॉडी बनाने। कोक है सर स्प्राइट। तेरी मम्मी अभी अगर बेबी बोलती ना कोक चाहिए, कह रहे यस बेबी अभी मैं जा रहा हूँ नीचे, जाता बना के लेके आता। कुछ भी डाल दे साले, तो लगता है मेरे को घंटे भर का फर्क पड़ता है। यही कौन सी ड्रिंक कहाँ पे जा रही है? आपने पिया क्या? पर भाई हमें वहाँ जाना चाहिए, वहाँ पे पोसितानो। चलो सेक्सी जगह थी। नहीं भाई, भाई बुड्ढे ने फोन उठाया, तूने फोन नहीं उठाया। अब मेरे को नोटिफिकेशन नहीं है, मैंने तो 2 घंटे बाद देखा। भाई मैंने इधर से फोन किया तुम्हें, तेरे को और बुड्ढे को। बुड्ढे ने फोन उठाया, बुड्ढे अच्छे में दोपहर कह रहा मैं सोने जा रहा हूँ। मेरे को बुड्ढे दोपहर हो रही है, कह रहा मैं सोने जा रहा हूँ। ठीक है भाई तू सोने चले जा भाई। एनीवेज गाइस गुड डे टू यू, थोड़े ड्रिंक्स एंजॉय कर। सो गाइस मेरी टिकट, मेरी फ्लाइट नहीं, जूते पहन के घूमा करो घर में कुत्ते। कोई नहीं, डंडिया कौन रखता है? तू जाग गया ना अब इसके बाद? मैं नहीं जा रही।
मैं ज़्यादा नींद आ गई, मेरी फ्लाइट 4 बजे की थी, मैंने एक दिन 12 घंटे एक्सटेंड कर दी, 12 घंटे एक्सटेंड कर दी। ज़्यादा हंस मत, तेरी सारी हंसी निकाल दूँगा मैं, ये बता रहा हूँ 2 मिनट में। कौन से जूते? ओ सब तेरी माँ। गाइस हम आ चुके हैं घर, गुड डे टू अस। अभी इससे पहले स्लोमो में रिकॉर्ड कर लिया था, बट मैं ये इशू को अभी ये बता रहा था, लोग मेरे से पूछ, इशू कुछ खाने को रखा है भगवान के लिए? भगवान के लिए कुछ खाने को पड़ा है? मोमोस तो अभी खाए थे, वाले सॉसेजेस कुछ और क्या नहीं खाना नहीं बनाता भाई। हमने भाई इतने पैसे दे के मेरी टिकट चेंज कराई कि मैं थोड़ा टाइम घर पे रह लूँ, 24 घंटे घर पे रह लूँ, वैसे वापस आना 12 घंटे। पर वैसे लोग मेरे से पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, तो मैं समझ नहीं आता क्या बोलूँ मैं, दुबई में भी घर है पर दुबई में से जूतों के लिए घर है, समझ नहीं आता। कुछ तो होगा इशू, कुछ भी नहीं है। नारियल पानी का भी नारियल निकल चुका है, मोमोज है, सॉसेज है, और मैं कुछ मंगा देता हूँ, क्या खाना है? यहाँ तक सो ही जाऊँगा। चलो गाइस आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, पता नहीं हम मिलेंगे कि नहीं। गुड डे टू यू, बाय बाय।